फिर सेकेंड क्या है इसमें, सेकेंड टाइप क्या है, सेकेंड टाइप है आइसोसेलस ट्राइंगल। आइसोसेलस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें आइसोसेलस में मतलब इसमें सिर्फ दो साइड्स क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, और तीसरी साइड क्या रहेगी, अलग रहेगी। मतलब अगर देखो ये लाइन, ये मार्क्स से समझ में आ रहा है कि पी आर और पी क्यू क्या है, इक्वल, मतलब पी आर इक्वल है किसके, पी क्यू के इक्वल है, तो ये कौन सी साइड है, आइसोसेलस ट्राइंगल। मतलब अगर ये अगर 5 सेंटीमीटर है पी आर, तो पी क्यू भी क्या रहेगा, 5 सेंटीमीटर। सिर्फ इसमें क्यू आर की साइड क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। मतलब सपोज कर ये कुछ भी हो सकता है, 5 को छोड़ के या कोई भी मीटर का ये क्या हो सकता है, सेंटीमीटर का क्या हो सकता है, साइड हो सकती है, साइड क्यू आर। ये समझ में आई, ये क्या होता है, आइसोसेलस ट्राइंगल।